नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हो? अपना हमेशा का क्वेश्चंस पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई करना ही चाहिए क्योंकि अपना सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। मैथ्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट है। देखो यार, मैं शुरुआत अगर हंसमुख से नहीं करूँ, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाओ तो आपको कैसा इंटरेस्ट आएगा? तो आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, आप सीखना चाहते हो करके तो मेरे वीडियो देखते हो ना। तो अगर मैं हंसमुख नहीं रहा तो आपको भी ज़रा इंटरेस्ट नहीं आएगा, बोर हो जाओगे। तो हमेशा खुश रहा करो। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। सेहत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खुश रहना, और आप भी खुश रहा करो। चलो तो अभी देखेंगे अपन अपना नया 12th क्लास मैथमेटिक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में। देखेंगे अपन आज इम्पोर्टेंट पार्ट देख रहे, जैसा रैंडम वेरिएबल का मैंने बताया था पिछले क्लास में। अभी देखेंगे इसमें से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, उसे शॉर्टकट में कहते हैं पीएमएफ। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसे शॉर्टकट में कहते हैं पीएमएफ। अभी एक्चुअली क्या है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, यानी प्रोबेबिलिटी मास क्या है इन स्टैटिस्टिक्स में? ये जो है इसे स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स से कंपेयर करेंगे। फिजिक्स में पॉइंट मास रहता है। फिजिक्स में क्या रहता है? पॉइंट मास रहता है। इन फिजिक्स वहाँ पे अपन पॉइंट मास कंसीडर करते हैं। अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग मास होता है। तो आपने सेंटर ऑफ मास की जगह आपने देखा होगा फिजिक्स में। तो बस उसी तरीके से अपने इन स्टैटिस्टिक्स में जो है पॉइंट मास के जगह अपन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी पीएमएफ ये फिजिक्स में एक मॉडल है। पीएमएफ ये फिजिक्स में एक मॉडल है, बराबर है? यह सिस्टम्स ऑफ द पॉइंट मास, जो सिस्टम्स रहेंगे पार्टिकल की, उसमें जो पॉइंट मास रहता है वहाँ पे इसको कंसीडर करते हैं एज अ मॉडल। ये मासेस रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं वेरियस लोकेशंस में अलॉन्ग द एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं। ये फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। अब अपने स्टैटिस्टिक्स में क्या है? फिर पीएमएफ क्या है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अपने स्टैटिस्टिक्स में क्या चीज़ है? तो स्टैटिस्टिक्स में पीएमएफ डिस्क्राइब करता है टोटल प्रोबेबिलिटी मास। टोटल प्रोबेबिलिटी मास डिस्क्राइब करता है ये ऑफ वन। कंसिडर है, टोटल कंसिडरेशन रहेगा वन, यानी अपन एक्चुअली सेंटर ऑफ मास के जैसा कंसिडर कर सकते हैं इन फिजिक्स में। जैसा ये डिस्ट्रीब्यूट होता है वेरियस वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स के साथ में, जिससे उसके रैंडम वेरिएबल रहते हैं वैसा। तो चलो मैं थोड़ा सा कंपेयर करके आपको बताया कि एक्चुअली फिजिक्स में भी अगर कहीं भी आपने पढ़ा होगा ये, तो हो सकता है पॉइंट मास जैसा रहता है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन रहता है स्टैटिस्टिक्स में। तो चलो देखिए अभी इसका जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल डेफिनेशन है, यह आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी एग्जाम्पल जो रहेंगे, जो अपन अभी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये दो रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे डिपेंड रहेगा। एक्स कैपिटल एक्स आपको पता है क्या कंसिडर करते हैं अपन, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लेते हैं। इसका जो डिफाइन है ये डिपेंड्स है सैम्पल पेस यस पे, डिपेंड्स है डिफाइन और सैम्पल पेस यस है। सपोज वो जो रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं अपन एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट ऑफ एक्शंस कंसिडर कर रहे हैं अपन। इफ द रेंज, ये रेंज रहेगी सेट ऑफ द एक्स, यानी जो रैंडम वेरिएबल कंसिडर है कैपिटल एक्स, उसका रेंज रहेगा ये एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट ऑफ एक्शन का। और उसमें जो फंक्शन रहेगा पी, प्रोबेबिलिटी का फंक्शन रहेगा, विच इज असाइन अ नंबर, वो नंबर कंसिडर करेंगे अपन प्रोबेबिलिटी की। पी आई से देंगे, पी आई नंबर्स रहेंगे P1, P2, small P2 and so on dot 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 is equal to P of capital X is equal to small x I रहेंगे और I going from 1 to n रहेगा for each value। इसका जो भी वैल्यू रहेगा for each value, जैसा इसका each वैल्यू रहेगा for each value x I, जैसा x I x1 होगा x2 होगा dot 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 xn होगा x is equal to and P of रहेगा उसका प्रोबेबिलिटी। जो रैंडम वेरिएबल है उस रैंडम वेरिएबल ये ईच वैल्यू रहेगा, रैंडम वेरिएबल ईच वैल्यू रहेगा, जैसा x1 है तो p ऑफ कैपिटल x इज इक्वल टू x1 रहेगा, उसका जो प्रोबेबिलिटी रहेगा दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। उसे अपन कहेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। देखो भाई x1 x2 डॉट डॉट ये तो रैंडम वेरिएबल है, लेकिन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है? जब आप x1 लोगे उसका प्रोबेबिलिटी कंसिडर करोगे, p ऑफ कैपिटल x इज इक्वल टू आई के जगह लिखेंगे x1 लेंगे, तो उसके बाद में उसकी जो भी वैल्यू रहेंगी ऐसे अलग अलग रैंडम वेरिएबल की जो अलग अलग वैल्यू रहेंगी उसे अपन कहेंगे मोलालिटी मास फंक्शन, ये इसका डेफिनेशन है। लेकिन ये डेफिनेशन कब सेटिस्फाई होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोल रहा था, जो पिया है ये पॉजिटिव चाहिए, जीरो चाहिए। जो पी आई ग्रेटर दैन इक्वल जीरो, एक तो जीरो चलेगा या तो जीरो से बड़ा रहेगा, यानी पॉजिटिव इंटरवल। अपन ने स्टार्ट में देखा था रैंडम वेरिएबल में कि जो भी रैंडम वेरिएबल कंसीडर करते हैं तो रैंडम वेरिएबल जो है इंटीजर कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन। वैसे ही प्रोबेबिलिटी का जो रहेगा पी आई जो है यानी P1 P2 P3 एंड सो ऑन, वो एक तो जीरो चाहिए एक तो जीरो से बड़ा चाहिए, पॉजिटिव जीरो और ऑल पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करेंगे। ओके, आई होगा वन टू एन होगा टू। और सेकंड कंडीशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, समीशन आई गोइंग फ्रॉम वन टू एन, यानी समीशन का मतलब एडिंग। ये जो प्लस 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 लिख रहे हैं उसे सिम्बॉलिकली समीशन लिखते हैं। P1 P2 के लिए पी आई लिखा अपन ने, और आई कहाँ से, वन से तो यन तक, आई गोइंग फ्रॉम वन टू यन, पी आई इज इक्वल टू वन इन सब के, दैट इज P1 प्लस P2 एंड डॉट 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 प्लस पी एल इज इक्वल टू कितना आता है, वन। यानी जब आप उसका जो प्रोबेबिलिटी रहेगा उन सब का अगर आप एडिशन करते हो तो वो कितना आना चाहिए, वन, तो ही उसे अपन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहेंगे नहीं। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती नहीं, सपोज पी आई का वैल्यू नेगेटिव है, -1 -2 एंड सो ऑन कुछ भी रहो, तो वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं रहेगा। दूसरी बात, अगर उसका एडिशन जितना भी रैंडम वेरिएबल उसका जो भी प्रोबेबिलिटी होगा उन सब का प्रोबेबिलिटी का जो सम है, अगर वो एडिशन वन आता नहीं तो वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं। ये दो चीजें जो है ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, ये पॉजिटिव चाहिए जीरो या तो पॉजिटिव नंबर वन टू थ्री फोर एंड वन, दूसरा उसका एडिशन चाहिए वन। ये दो चीजें होंगी तो वो रहेगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टूड हुआ होगा। अंडरस्टैंड करो तुम इसे, तो इसमें पी ऑफ एक्स क्या कहते हैं, इसे कैसा रीड करते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई को ये अपन ऐसा बोलते हैं रीडिंग, लेकिन इसे एक्चुअली आप कैसा बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, पी फॉर प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स, प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स अज्यूम द वैल्यू एक्स आई, अज्यूम द वैल्यू एक्स आई, ऐसा भी रीड कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड रीड होगा और ये जनरली कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, ये जनरल होगा, लेकिन ये प्रॉपर होगा उसका, तो उसे आप बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स अज्यूम द वैल्यू एक्स आई। इस तरीके से रहेगा ये अपना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो चलो दोस्तों, अपना ये बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अपन ने बेसिक टर्म देखे हैं, फर्स्ट सेकंड वीडियो में देखा आपने, अभी ये थर्ड पार्ट आ रहा था तो देखेंगे इसमें क्या है। आज अपन एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले। देखिए डियर स्टूडेंट, अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है, सिंपल से अपन जाएंगे हार्ड की तरफ। वेरीफाई द फंक्शंस कैन बी रिगार्डेड एज द पीएमएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स। आपको उसने फंक्शन दिए हुआ है रिगार्डेड एज द पीएमएफ ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स है। आपको ये देखना है कि ये जो फंक्शंस बने, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो भी फंक्शंस होगा वो पीएमएफ आता है क्या, यानी ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आता है क्या, आपको चेक करना है। तो क्या करोगे आप, आपको पता है मैंने दो कंडीशन बताया था, डेफिनेशन देखा अपन ने, अभी डेफिनेशन देखा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का, कि उसमें क्या है, दो चीज़ें आती है। एक पहली चीज़ आती है कि पी आई ग्रेटर दैन इक्वल जीरो, आई गोइंग फ्रॉम वन टू एन। सेकंड वाला आता है समेशन आई गोइंग फ्रॉम वन टू एन, पी आई इज इक्वल टू वन चाहिए, तो वो देख लिया। अभी सोल्यूशन में देखेंगे इसको। अब ये आपको दो मार्क के लिए या तो एमसीक्यू में आ सकता है। सोल्यूशन देखो, वी हैव टू वेरीफाई गिवन फंक्शन इज PMF or not. we must show that WMST का मतलब है we must show that उसका वे हाफ हो, वी मस्ट शो दैट फर्स्ट कंडीशन आएगा पी आई ग्रेटर दैन इक्वल 0, सेकंड कंडीशन आएगा समीशन आई बार मोबाइल टू यल पी आई इक्वल टू 1, ये चीज़ आना चाहिए, बराबर है। ये दो चीज़ अगर सेटिस्फाई है तो वो फंक्शन जो भी आपको टेबल दिया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। अब देखो यहाँ पे आपको पहला कंडीशन से ये प्रोबेबिलिटी, ये जो है आपको हियर, आपको क्या दिया है, आपको हियर P1 है, ये P1 है, P1 दिया 0.1, P2 जो है वो है 0.2, P3 जो है वो है 0.3 और P4 जो है वो है 0.4। ये ऑल क्या है, ऑल पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव। ऑब्जर्व करो 0.1, 0.2, 0.3, 0 ऑल पॉजिटिव है। इसका मतलब देयरफॉर पी आई ग्रेटर दैन इक्वल 0, आई वैल्यू 1 2 4। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगा तुम्हारा, पहला जो कंडीशन है वो आपका सेटिस्फाई हुआ है कि हर जो प्रोबेबिलिटी दी हुए गिवन टेबल में वो ग्रेटर दैन 0 है, यानी पॉजिटिव है। अब सेकंड कंडीशन, ओके, सेकंड कंडीशन आपको देखना है, आपको ये प्रूफ करके देखना है, यानी नाउ सेकंड, नाउ समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू n पी आई इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4, आपका n नंबर आता 4 तक, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो n इज इक्वल टू 4, p1 p2 p3 p4 तक, आई गोइंग फ्रॉम 1 टू 4, ओके। अब इसमें एडिशन करना है, P1 कितना है आपका 0.1, P2 कितना है 0.2, P3 कितना है 0.3, P4 कितना है 0.4, इन लोगों का एडिशन करो, ओके। 4 + 3 7 8 9 और 10 आएगा, ये कितना आएगा 10 यानी 0.1, यानी कितना आ रहा 1। Therefore summation I going from 1 to n is equal to 4, पी आई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जो प्रोबेबिलिटी दिए हुआ है आपको, इसका जो एडिशंस हैं, समीशंस हैं, वो 1 आता है। तो हियर देयरफॉर बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड ऑफ पी एम एफ, देयरफॉर द गिवन functions as regarded of the PMF is probability mass function, hence verified। ये होगा वेरीफाई। देखो इस तरीके से अपन ने इसे वेरीफाई किया, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा ऐसे आशा करता हूँ। लेकिन तो और एक बार शॉर्टकट में बताता हूँ, देखो ये टेबल दिया है, इस टेबल में ये प्रॉबिलिटी दिया है आपको, ये प्रॉबिलिटी आप पहले चूज करो कि ये पॉजिटिव है, ग्रेटर दैन इक्वल 0 है क्या, यस है, तो फर्स्ट कंडीशन आपका सेटिस्फाइड। ये लिखने का तरीका है स्टेप बाय स्टेप, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को जो चीज़ चाहिए ये आपको परफेक्ट रहेगा, इसमें कोई भी कहीं पर भी आपका मार्क कट नहीं होगा, गारंटी देता हूँ। अपन स्टेट बोर्ड के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं भाई, सीईटी के लिए तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आ जाती, नो प्रॉब्लम। तो ये सब प्रॉबिलिटी लिखा अपन ने, उसके बाद में यहाँ पे देखा अपन ने, ऑब्जर्व किया और गेस किया कि यहाँ पे कोई भी प्रॉबिलिटी ये 0 से छोटा नहीं है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है करके पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। सेकंड कंडीशन देख रहे समीशन, यानी जितनी भी प्रॉबिलिटी उनका एडिशन 1 आना चाहिए, देखा अपन ने ये सब की एडिंग की, कितना आता है एडिंग 1 आता है, इसका मतलब दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई थी। तो ये जो रिगार्डेड गया एज द पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स का, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट, इसका मतलब इसका जो भी फंक्शन होगा वो पीएमएफ है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। इस तरीके से अपन ने वेरीफाई किया, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट सम की तरफ पढ़ेंगे। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आपको फंक्शन दिया है पी ऑफ एक्स स्मॉल एक्स इज इक्वल टू, आपको फंक्शन दिया x² अपॉन 5, x² अपॉन 5 ये डिवाइडिंग है, x² अपॉन 5, x का वैल्यू 0 1 2 है, रैंडम वेरिएबल आपको दिए हुए 0 1 2 रैंडम वेरिएबल दिए, अगर 0 1 2 ये होंगे तो x² अपॉन 5, अदरवाइज क्या कंसिडर किया 0, इसके अलावा यानी रैंडम वेरिएबल इसके अलावा और कोई होंगे 3 4 5 के लिए पॉसिबल नहीं, अदरवाइज क्या बताया जीरो कंसिडर करना है। तो आपको ये चेक करना है कि ये आपको चेक करना है कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या नहीं। वी हैव टू वेरीफाई द गिवन फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और नॉट। इसका मतलब आपको वी मस्ट शो दैट क्या करना है, ग्रेटर दैन इक्वल जीरो चाहिए या तो उसका प्रोबेबिलिटी का एडिशन वन चाहिए। कितना चाहिए? वन। तो वही अपन देखने वाले। हियर आपको क्या दिया हुआ है? पी ऑफ, यहाँ पे दिया हुआ आपने पी ऑफ एक्स कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन फाइव दिया। कब लेगी? एक्स इज इक्वल टू जीरो वन टू है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास में क्या है, आपके पास में क्या है, इसका जो प्रोबेबिलिटी है, अभी अपन इसका वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे। देखो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो लेंगे यानी ये पी वन आ जाएगा आपका, इसे पी वन से डिनोट करेंगे। कितना आएगा? जीरो पुटअप किया था, जीरो स्क्वायर अपॉन फाइव दैट इज जीरो आएगा। सेकंड पी वन का वैल्यू जीरो है, पी टू का वैल्यू 0.2 है, पी थ्री का वैल्यू 0.8 है। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर पी ऑफ यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, ओके ऑल पॉजिटिव जीरो। इसका मतलब पी आई ग्रेटर दैन इक्वल जीरो है। आपका जो पहला कंडीशन है पी आई ग्रेटर दैन इक्वल जीरो, आई गोइंग वन टू थ्री, थ्री तक है, ये आता है पॉजिटिव आता है यानी फर्स्ट कंडीशन आपका सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन देखेंगे यहाँ पे अपन। सेकंड कंडीशन देखो, समीशन आई गोइंग वन टू एन थ्री तक है, पी आई इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री है। चलो भाई पी वन कितना आएगा अपना जीरो प्लस पी टू कितना है अपना 0.2 और 0.8 है यानी 1.0 यानी 1 आ रहा है। तो समेशन आई गोइंग फ्रॉम वन टू एन थ्री तक है, पी आई आ गया, इसका इज इक्वल टू 1 आता है यानी कंडीशन सेटिस्फाइड। देयरफॉर बोथ कंडीशंस of PMF are satisfied. Therefore the given दोनों भी कंडीशन के आगे सेटिस्फाई। पहली कंडीशन अपना पी आई ग्रेटर दैन इक्वल जीरो, दूसरा समेशन आई गोइंग फ्रॉम वन टू एन पी आई इज इक्वल टू 1 आता है। इसका मतलब क्या है, बोथ द कंडीशन ऑफ पी एम आर सेटिस्फाइड। इसका मतलब द गिवन फंक्शन इज पी एम एफ। इस तरीके से अपन सम देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके समझा। पहले एग्जाम्पल में ये ऑलरेडी दिए हुआ था आपको, अभी आपको इसको पहले फाइल करना पड़ा और उसके बाद में चेक किया अपन ने। ओके ये डिफरेंस था। वहाँ पे आपको, यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन दिया, वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दिया था, यहाँ पे फंक्शन से अपने को वैल्यू निकालनी पड़ी। चेक किया अपन ने कि ग्रेटर दैन इक्वल जीरो आता है और समीशन आता है, सबका एडिशन कितना होता है, 1 होता है। ओके तो आशा करते हुए आपको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टूड हुआ होगा। पर क्षमता उसमें और इसमें ये डिफरेंस था। इसमें आपको फंक्शन दिया था, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। ये एक्चुअली अपन ने टेबल फॉर्मेट लिख है, इसे आप टेबल फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। ओके इस तरीके से आप अगर फॉर्मेट लिखते हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं। आपके पास में जीरो था, 1 था, 2 था, उसके बाद में इसका वैल्यू आया जीरो है तो जीरो आएगा, ये 0.2 आ गया, ये 0.8 आ गया। इस तरीके से ये टेबल बना। और पहले सम में आपको क्या था कि ये टेबल ऑलरेडी दिया हुआ था और इसको चेक किया था। अभी इसको पहले अपन ने निकाला और चेक बगैर कर दिया कि ग्रेटर दैन इक्वल जीरो आ गया। और सेकंड तो आपको सेम ऐसा ही है पहले सम में था। तो बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल टॉपिक है, ये आपका स्कोरिंग टॉपिक रहेगा। कम पार्ट है, कंटेंट कम है और मार्क आपको उतने मिल सकते हैं। तो मैं आपको गारंटी से ये टॉपिक को छोड़ो मत, इसे पूरी स्टडी करो। इसका जितना भी सिलेबस रहेगा उसका अच्छा करो, क्योंकि पेपर में इसका हल्का क्वेश्चन रहेगा। और ज़्यादा दिमाग में रखने की बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट नहीं है, कम कंटेंट है तो कम दिमाग में रहते हैं और आप टाइम पे आपको याद आता है और आप वहाँ पे लिख सकते हो। इसलिए इसे छोड़ो मत, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो चलो दोस्तों, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।